हे गाइस, तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट गनाश केक, वो भी फ्राइंग पैन में तवे के ऊपर। इसके लिए मैंने एक मिक्सर जार में डाली है चीनी, ऑयल, थोड़ा सा मिल्क डाला है और एक ढक्कन मैंने इसमें डाला है विनेगर। उसके बाद मैंने छलनी में लिया है मैदा, कोकोआ पाउडर और बेकिंग पाउडर। उसे अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद मैंने उसे उस मिक्सचर में डाला है और चम्मच से अच्छे से हिलाकर उसके सारे लम्स ख़त्म कर दिए हैं। फिर मैंने एक फ्राइंग पैन में लगाया है अल्मीनियम फॉयल और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके और ये मिक्सचर उसमें पोर कर दिया है। और मैंने उसे धीमी आंच पर तवे पे रखा है और उसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने दिया है। उसके बाद मैंने इसका गनाश बनाया है, जिसके लिए मैंने मिक्सर जार में लिया है कोकोआ पाउडर, चीनी, मिल्क और उसके बाद मैंने डाला है इसमें ऑयल। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा गनाश तैयार है और ये देखिए गाइस, हमारा चॉकलेट केक भी बनकर तैयार है। इसे मैंने डिस्कार्ड किया है एक प्लेट में। उसके बाद मैंने इसके ऊपर गनाश को अच्छे से फैला दिया है और उसके बाद मैं इसके ऊपर डालने जा रही हूँ चॉकलेट चिप्स। उसके बाद गाइस, मैं इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख के ठंडा होने के लिए, सेट होने के लिए, ठंडा करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद गाइस, ये केक हमारा खाने के लिए तैयार है। आप इसे कट कीजिए जैसी मर्जी शेप में और उसके बाद इंजॉय कीजिए। ये पैन में बना हुआ केक बहुत ही टेस्टी बना है, आप भी ट्राई करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।